आज है 3 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास। नहीं, ये रात की क्लास है। ये है अजब तमाशा। जैसे जिस प्रकार से बच्चे अजब तमाशा समझते हैं, ऐसे और कोई की बुद्धि में नहीं है कि ये दुनिया कैसे अजब तमाशा है। ये कलयुगी दुनिया है, ये एक अजब तमाशा है, और है ये बेहद का तमाशा। जो लाडले बच्चों की बुद्धि में है, उनकी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट भी है। अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो भी महिमा वही करते हैं जो कृष्ण के आगे महिमा करते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं ना। सिर्फ मंदिर अलग अलग कर दिया है, कृष्ण का मंदिर अलग बनाए दिया है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग बनाए दिया है। ये नहीं जानते राधा कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। कहते हैं कृष्ण द्वापर में और राम त्रेता में, और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में दिखाते हैं। द्वापर युग में क्यों ले गए? राम को त्रेता में ले गए और लक्ष्मी नारायण को सतयुग आदि में ले गए, क्योंकि कृष्ण द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के अंत में ही महाभारत युद्ध की थी। सीन दिखाई जाती है और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इसलिए ले गए हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, वहां दुर्गुण कोई भी नहीं होता। लक्ष्मी नारायण के गुण ही गुण दिखाते हैं, अवगुण कोई भी नहीं दिखाते। ये दुनिया वाले तो कुछ भी समझने का ख्याल नहीं करते। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि ये कब आए थे, फिर कहाँ गए, क्या इन्होंने कोई से राज्य हराया। तो ये तमाशा तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है, इसको कुदरत नहीं कहेंगे। ये तमाशा है। कुदरत यह है कि इतनी छोटी सी स्टार आत्मा में कितना ऊंचा पार्ट भरा हुआ है, और खेल ये है अजब, तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि हम ये नाटक करते हैं, परंतु इनके आत्मजंत को जानते नहीं है। सिर्फ नाटक कह देने से फायदा नहीं होता है। हम पार्ट भी बजाते हैं। वो एक्टर होकर ड्रामा के आदिमत को जानना चाहिए। पहले तो हर एक्टर को अपना जानना चाहिए कि हमारी आत्मा का आदि क्या है, आदि स्वरूप क्या है, मध्य स्वरूप क्या है, और अंत में हमारा क्या असर होता है, जानना चाहिए ना। परंतु क्यों नहीं जानते? अभी तो जान लेना चाहिए।
अभी तो रास्ता दिखाने वाला आया हुआ है। गुरुदेव बता रहा है कि ऐसे ऐसे मंथन चलावेंगे, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करेंगे, ऐसे ऐसे चिंतन चलावेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में अपना पार्ट आ जावे ना। पहले तो अपने बाप का पार्ट आ, बाप भी ऊंचे ऊंचे है और नीचे नीचे भी बाप है तो नंबरवार ऊंचे बाप भी है। जिनको अपने ऊंचे बाप का पता चलेगा तो अपनी ऊंचाई का भी पता चलेगा, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। क्रिश्चियन लोग ये थोड़े ही जानते होंगे कि क्राइस्ट अब कितने दिनों के बाद आवेगा, तो जानते हो तुम, बच्चों को सब मालूम है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। कैसे ज्ञान का सागर है? क्या एक एक की हिस्ट्री को जानता है? तो कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। जब है ही सर्वव्यापी तो क्यों नहीं जानता होगा? नहीं, वो तो आकर के हम बच्चों को सिर्फ फार्मूला बताता है कि ऐसे ऐसे चार युगों का चक्र बुद्धि में चलावेंगे तो इस चक्र में तुम्हारा पार्ट क्या है वो बुद्धि में आ जाएगा। वो बाप रचयिता है, कौन सा बाप रचयिता है? सुप्रीम सोल बाप रचयिता है, या सुप्रीम सोल जिस साकार तन में आता है उसमें पाठ बजा कर रचयिता है? सुप्रीम सोल तो सदा शिव है, अविनाशी है, अविनाशी आत्माएं भी है, तो आत्माएं कोई रची नहीं जाती है। रचना उस चीज की होती है जो पहले नहीं होती है। आत्माएं तो है ही है, परंतु आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। वो स्वरूप का परिचय बाप आकर के देते हैं। बेसिकली परिचय देते हैं कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हो, ये सामान्य परिचय हुआ। हर आत्मा का अपना अपना विशेष परिचय नहीं हुआ। सामान्य परिचय से विशेष परिचय की पहचान कैसे होगी? सामान्य परिचय है ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ज्योति बिंदु आत्मा के असली स्वरूप पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो आत्मा सूक्ष्म बनेगी। आत्मा मन मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और सूक्ष्म बुद्धि में सारे नाटक की गहराइयां बीच बीच में समझ में आती जाएगी। अपने पार्ट का भी बुद्धि में ख्याल आवेगा, क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं के साथ समय की सुई घूमती है तो उन उन आत्माओं के साथ लिया हुआ दिया हुआ सुख दुख बुद्धि में चलता है। ये तो है शूटिंग का पीरियड। संगम युग में हर एक आत्मा के अनेक जन्म क्लियर होने तो रील घूम रही है। बाप कहते ये सब बनी बनाई बन रही, अब कुछ नया नहीं बनना है। माना 63 जन्मों में हमने जिन आत्माओं के साथ जैसा जैसा सुख लेने या दुख देने का पार्ट बजाया होगा, संगम युग की रील में
वही सुख और दुख देने या लेने का पार्ट हम फिर से रिपीट करते हैं। वहां 63 जन्म में था ब्रह्म, और ये यहाँ संकल्पों की रील में सारा घूम जाता है। तो बाप आत्मा का ज्ञान देकर हमारी आत्मा को ये स्पष्टीकरण दे देते हैं कि तुम आत्मा कैसे कैसे अपने पार्ट को पहचान जाती है। तो बाप रचयिता भी है क्या? हमारे पार्ट की रचना करता है? पार्ट की रचना नहीं करता, लेकिन वो तौर तरीके हमारी बुद्धि में भर देता है जिससे हम अपने पार्ट को पहचान सके। फिर पालना भी कराते हैं, विनाश भी कराते हैं। तो तुम सब जानते हो भिन्न भिन्न सेंटर पर जो भी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उन सबको हर एक को हक है बाप को पत्र लिखने का। अब कोई लिखे या न लिखे, जिसका पूर्व जन्मों में कनेक्शन रहा होगा वो लिखे बगैर रह न सके, जिनका नहीं रहा होगा तो क्यों लिखेंगे? कृष्ण जैसे हैं, पत्र का जवाब नहीं आया तो बुद्धि में आना चाहिए कि हमने मुरली पर ध्यान नहीं दिया। बाप तो रोज पत्र भेजते रहते हैं, रोज की हर मुरली को ध्यान में पढ़ने से पता लगेगा कि हमारे प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाता है। तो हक तो सबको है पत्र लिखने का। बाबा तो कहते हैं बच्चे सब एक जैसे नहीं है, नंबरवार है, कोई पत्र लिखते हैं कोई नहीं लिखते हैं। कोई एक दो बारी पत्र लिखेंगे, पत्र का जवाब नहीं मिला तो ठंडे हो जाएंगे। कहते हैं हमारा तो कोई कनेक्शन बाप से नहीं, दूसरी आत्माओं से पत्र लिखने का कनेक्शन है, हमारा नहीं। थक जाते। वास्तव में हरेक को अपना अपना समाचार देना चाहिए। ये क्या बात हुई? हजारों से वो उठ करके लाखों की तादाद में बच्चे पहुंच जाएंगे, एक एक के लेटर का बाबा अलग अलग जवाब देंगे क्या है? लेकिन जवाब मिलता है जरूर। जो भी रोज की मुरली है अगर उसको हम ध्यान से पढ़े और अपने प्रश्न का जवाब लेवे तो जरूर रोज का रोज जवाब मिलता है। वो कोई सेंटर्स में ब्राह्मणी ऐसी है कि डेड हेड है, वो कहती है कि हमारे हुक्म के बगैर तुम पत्र मत भेजा करो। बाप का तो डायरेक्शन है कि बाप को कोई भी बच्चा डायरेक्ट पत्र लिख सकता है, डायरेक्ट पत्र मंगा सकता है, इसमें बीच में किसी को चेकिंग कराने की दरकार नहीं है। हाँ, दूसरों को अगर कोई पत्र लिखते हैं और सरेंडर हैंड्स हैं तो जरूरी है कि वो अपने लेटर से चेक करा ले ब्राह्मणी से। बिना चेक किया हुआ लेटर कोई भी पार्टी को, कोई भी माता को, कोई भी भाई को पास नहीं करना चाहिए। अगर पास करते हैं तो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं। ब्राह्मणियां मेले करती हैं, मेले मलाखड़े करती हैं, आपस में मिलती जुलती रहती है। बाप कहते हैं
ये सब मेले मेले बनाने वाले संगम युग में जो बाप साकार में आकर के मिलता है उससे तुम स्वच्छ बनते हो। उन मेलों में मेले बनते हैं फिर छिपाना चाहते हैं। जो मैलापन आया उस मैलेपन का पूरा पोता मेल नहीं देती। बच्चे अपनी खुश खैरियत का समाचार लिखते रहे। कई ब्राह्मणियां अपने को मुमिया मिट्ठू समझती है, ये नहीं समझते कि हम भूले करते हैं, हमसे भी भूले होती है, पोलाइट होकर के नहीं चलती। तो जिज्ञासु रूठ जाते हैं, रूठना चाहिए क्यों? ब्राह्मणी पोलाइट होके नहीं चलती है, स्ट्रिक्ट रहती है तो रूठना नहीं चाहिए है? बाप को बताना चाहिए हाँ? बाप पोलाइट है, वो सामने तो नहीं रहता, ब्राह्मणी सामने रहती है, व्यवहार में तो ब्राह्मणी के साथ आना पड़ता है, तो क्या करे है? ड्रामा में जो भी सामने आता है वो सब कल्याणकारी है, घड़ी घड़ी जो भी घटित तो हो रहा है उसमें सब में कल्याण देखना चाहिए। जो बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, हमारा पार्टी भी कल्याणकारी। ब्राह्मणी भूले करती है तो जो जैसा करता है उसको वैसा बाप के दरबार में नूद है। बाप किसी का कुछ रखता नहीं है, अच्छे को अच्छा वापस देता है ब्याज सहित और बुरे को बुरा वापस देता है ब्याज सहित। जिज्ञासु रूठ जाते हैं, आना छोड़ देते हैं, बाप कहते हैं रूठो मत। क्या बाप की पढ़ाई से नहीं रूठना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि में तो है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है? तुमको पढ़ाने वाला तो एक है, ब्राह्मणियां भी तो पढ़ाई कर पढ़ाई रही है ना, एक बाप से पढ़ाई पढ़ करके ही पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो एक ही है और एक के द्वारा है। जिज्ञासु आना छोड़ देते हैं, ब्राह्मणियां कहती हैं हमारे बिगर पूछे बाबा को पत्र लिखो, इसलिए बाबा कहते हैं सब बच्चों को हक है बाबा को पत्र लिखने का, सब समाचार देना चाहिए। ब्राह्मणी ठीक नहीं पढ़ाती है, नवाबी दिखाती है, कोई डिसर्विस करती है तो समाचार देने से उनको सावधानी मिली। अब सावधानी मिलेगी, बाबा को समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। समाचार कौन देवे हैं? बच्चे समाचार देंगे और बच्चों को डर लगता हो तो अपना कर्तव्य और अपना अकर्तव्य अगर कोई छिपावेंगे तो विकर्म बढ़ते जाते। बच्चे हर प्रकार का समाचार दे सकते हैं, बाबा से कोई भी समाचार छिपाना नहीं चाहिए, टीचर का भी समाचार दे सकते हैं। अज्ञान काल में भी टीचर की रिपोर्ट प्रिंसिपल को करते थे ना, तो यहां भी कर सकते हैं कि इनको बदली करो। यहाँ कभी बाबा के पास ब्राह्मणी की रिपोर्ट आती है तो बाबा बहुतों को बदली भी कर देते हैं। कहाँ कहाँ है?
बम्बई में। या तो फिर यहाँ मंगा लेते हैं, बिठा देते हैं, यहाँ आकर के क्या नुकसान करेंगे। तो सब बच्चे समाचार तो दे सकते हैं, कोई भी समाचार हो बाबा के पास भेज सकते हैं, कोई में खामी हो अगर कोई महारानी बन करके बैठ जाए, खटिया पर बैठे बैठाए चाय मंगवाए, तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। माना यहाँ तो सब सेवाधारी है, यहाँ कोई को राजाई नहीं मिली है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती, ब्राह्मण होते हैं सेवाधारी। पाप खुद क्या कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट एविडेंट सर्वेंट। तो बाप जब खुद छोटा बनकर के आता है तो बच्चों को बड़ा बनकर के बैठने का सवाल नहीं। अगर यहाँ जास्ती फुर्सतों में मौज में रहेंगे तो वहां का घाटा पड़ जाएगा। ये माया है ना, नशे में ले आती है। सब बच्चों को हक है समाचार देने का। सेंटर चलाने वाली ब्राह्मणे से कई बच्चे भी होशियार हो जाते। वो जरूर समाचार देंगे। क्या कहा, जो बच्चे जास्ती होशियार हो जाते हैं, ज्ञान में तीखे जाते हैं, वो बाप को जरूर समाचार देंगे। अगर समाचार नहीं देते हैं तो फिर हिल पड़े, फिर डिस्टर्बिस हो जाती है। बाप कहते हैं मूल बात है याद की, याद की पावर होगी तो सब सहज सहज चलता जाएगा। समझाने में भी नशा चढ़ जाता है। हर हठ योगियों को राजयोग का बिल्कुल पता नहीं है। क्या बात हुई, अभी अभी ब्राह्मण की बात कर रहे थे और अभी अभी हठ योगियों की बात करने लगे। क्यों, ब्राह्मणी अपनी हठ पर अड़ जाती है अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा, हठ योगियों को राजयोग का बिल्कुल पता नहीं है। गीता का भगवान कौन था, ब्राह्मणी से बात करते करते गीता के भगवान के ऊपर कहां पहुंच गए। गीता के भगवान से इस बात का क्या कनेक्शन है। अरे बड़ी से बड़ी ब्राह्मणी कौन है, जगह बड़ी से बड़ी ब्राह्मणी है ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा एक का नाम नहीं होता है, ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं। ब्रह्मा के चार मुख दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा के पांच मुख भी दिखाए जाते हैं। और बैल का पार्ट किसका बताया है, ब्रह्मा का। माने अड़ जाता है क्या, बैल क्या करता है, खेती में काम करते करते कभी कभी बैल अड़ जाता है। तो ब्राह्मणी की बात से अटकर के कहां आ गए, बड़ी से बड़ी ब्राह्मणी को पकड़ लिया, हट करने लग पड़ती है कि मैं जो कहती हूं वही सच्ची बात है।
अब इन हठयोगियों को राजयोग का तो बिल्कुल पता नहीं कि गीता का भगवान कौन था है? माने ब्रह्मा को और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी कुमारियां, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन था। क्या समझती है ब्रह्मा कुमारियां है? वो समझती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ही गीता का साकार भगवान है। जब ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है तो ओरिजिनल ब्रह्मा कौन? आदि ब्रह्मा कौन है? गीता माता। तो जो आदि ब्रह्मा है, ब्रह्मा में कौन प्रवेश करता है? शिव बाबा की शिव बाप, कोई कहता है शिव बाबा, कोई कहता है शिव बाप। शिव बाबा प्रवेश करता है, शिव बाप प्रवेश करता है, तो सर्वव्यापी हो गया क्या? शिव बाप मुकर्र रूप से प्रजापिता में प्रवेश करता है या ब्रह्मा में प्रवेश करता है? सुनने सुनाने का पाठ बजाने वाला है, सुनने सुनाने का पाठ बजाने जब दादाजी को साक्षात्कार हुए, सुनने सुनाने का पाठ बजाने के लिए शिव बाबा प्रवेश करता है। शिव बाप जो है वो सुनने और सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। आता है क्या? सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए नहीं आता है, उसके आने का मकसद क्या है? भक्ति को खलास करने के लिए आता है और ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। तो ब्रह्मा क्या समझ के बैठ जाते हैं कि शिव बाप मेरे में आता है इसलिए मैं ही साकार भगवान हूं, और साकार भगवान की ये बुद्धि में बात जो बैठ जाती है वो फिर ये बुद्धि में नहीं आने देती कि वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ कौन सा है जिसमें आदि से अंत तक कार्य करता है। बेसिक में भी ब्रह्म ही ब्रह्मा चिल्लाते चिल्लाते ब्रह्मा कुमारियों के आठ फेल होने लगे, ब्रह्मा का भी आठ फेल हो गया, और एडवांस में भी ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ये नहीं समझते कि माँ का पाठ बजाने वाला और बाप का पाठ बजाने वाला एक ही आत्मा है। कौन? सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल से भी दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके सहनशीलता की अति का पाठ बजाता है, नहीं तो दादा लेखराज के और भी तो जन्म पहले हो चुके हैं, 63 जन्म। उन जन्मों में सहनशीलता का ऐसा पाठ क्यों नहीं बजाया? वास्तव में सारी जगत की माता का पाठ भी कौन बजाता है? परमात्मा शिव ही बजाता है, और सारी सृष्टि को वर्षा देने और सारी सृष्टि में ज्ञान का बीज बोने का पाठ भी बाप ही बजाता है। वो बाप भी है, वो माता भी है, लेकिन साकार तन अलग अलग होता है। एक के द्वारा माता का पाठ बजाता है, दूसरे के द्वारा पिता का पाठ। जिसके द्वारा पिता का पाठ बजाता है मुकर्र रूप से उसे प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता एक ही होता है, और ब्रह्मा ब्रह्मा अनेकों के नाम हो जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज हो
चाहे एडवांस नॉलेज हो, उसमें बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि वो सुप्रीम सोल बाप ही सर्वे सर्व है। वो ही माँ के रूप में है, वो ही बाप के रूप में है, वो ही टीचर के रूप में है और सदगुरु के रूप में भी वो ही पार्ट बजाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि माँ के रूप में अलग चोले से पार्ट बजाता है और बाप टीचर सदगुरु के रूप में एक ही चोले से पार्ट बजाता है। जिस एक चोले से वो मुकर्र रूप से बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाता है, वो बाप ज्ञान का बीज बोने वाला भी है और अंत में वर्षों बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जो ब्रह्मा मुख से मुरली उच्चारित की जाती है, जो सामान्य रूप से एक गीत बन करके कविता बन करके बच्चों के सामने आता है, वो गीत बेसिक नॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं पहले पहले उनके लिए रटने की चीज हो जाती है, क्योंकि देने वाला स्वयं भी साकार रूप में उसके गुह्य अर्थ को नहीं समझता। ब्रह्मा की बुद्धि में ही जब वो बात नहीं आती है गहराई की, तो ब्रह्मा के जो बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि में वो बात नहीं आ सकती। लेकिन माँ माँ होती है और बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों में कोई छोटे बच्चे होते हैं, कोई बड़े बच्चे होते हैं। बड़ों बच्चों में भी जो बड़े से बड़ा एल्डर ब्रदर होता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा होने के कारण, पैलोटी का बच्चा होने के कारण बाप के पूरे वर्षे का वो हकदार बनता है। इसलिए बड़े बच्चे को बाप समान कहा जाता है। उस बाप समान बच्चे में सहनशीलता की इंतहा का पाठ बजाने वाली कृष्ण की सोल दादा लेखराज वो भी प्रवेश करता है। तो एक ही रूप में बाप भी है और उसी रूप में दादा की सोल भी प्रवेश है। बाप सुप्रीम सोल बाप भी है और मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता भी है। दोनों वेद के बाप एक ही रूप में, और जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उससे पैदा होने वाला साकार सृष्टि में जो कृष्ण बच्चा बनता है, माना दादा का पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो भी उसमें मौजूद है। इसलिए लोगों की कहने की भाषा में आता है आज भी, ज्यादा दादागिरी दिखाता है। तो वो ब्रह्मा की सोल जो बड़े के बच्चे के रूप में इस सृष्टि पर पहले पहले आती है, वो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए जैसे दादा हो जाती है। तो एक ही रूप में बाप भी है और दादा भी है। बाप दादा कंबाइंड हो जाते हैं। उन कंबाइंड स्वरूप को ही भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में बताई दिया। कैसे? वो आधा रूप माता का भी उसमें है और आधा रूप पिता का भी। उसमें आधा रूप पिता का है शंकर के रूप में और आधा रूप माता का है ब्रह्मा के रूप में। उनको कहते हैं जगतम पितरम बंदे। माता भी है तो पिता भी है। तो शास्त्रों में कह दिया तुमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने तू ही माता है
तू ही पिता है। तो एक हुआ या दो हुए, एक सुप्रीम सोल की स्थिति है कंबाइंड रूप के बारे में ये बात कही गई है कि वो बाप भी है और माता भी। माता वो माता और तू है जग की भाग्य विधाता। बाप को क्यों छोड़ दिया? बाप जग का भाग्य विधाता नहीं है, कहा तो जाता है भाग्य विधाता, भाग्य विधात्री नहीं कहा जाता है। तो माता को इतना मान क्यों दिया है? इसलिए मान दिया कि जो भी पुरुष चोले है वो सात दुर्योधन दुशासन के रूप है, चाहे वो ब्रह्मा का रूप हो, चाहे वो प्रजापिता का रूप हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी बच्चे हो, पुरुष चोला है तो उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वो स्वर्ग के गेट खोलेंगे। प्योरिटी के मामले में सब ढीले, उसमें भी भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर भी दो हिस्से किए गए, एक है रुद्रमाला और दूसरी है विजयमाला। रुद्रमाला है बाप के बच्चों की माला, बाप के सब बच्चे हैं, बच्चियां कोई भी नहीं। और विजयमाला में, विजयमाला में सब बच्चियां हैं भाव स्वभाव संस्कार से। जन्म जन्मांतर की कौन सी बच्चियां? जिन्होंने प्योरिटी का पार्ट विशेष बजाया है। द्वापर कलयुग में भी जन्म जन्मांतर उन्होंने प्योरिटी को धारण करने का विशेष पुरुषार्थ किया, चाहे मुसलमानों का आक्रमण या हुआ हो, चाहे कोई भी आतताइयों का आक्रमण हुआ हो, वो विजयी वत्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने विविचार की बू नहीं आने दी और प्योरिटी को पालन किया। प्योरिटी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत माताओं कन्याओं में। तो माता को गुरु के रूप में मानना पड़ेगा, और बातों में भले न माने लेकिन प्योरिटी की बात जहां तक आती है तो झुकना पड़ेगा। हाँ, रावण कुंभकर्ण जैसे, दुर्योधन दुशासन जैसे, कंसी जरासंधी जैसे हो सकते हैं जो उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, ऐसों को भी पछाड़ खानी पड़ती। उनके सामने वो फिर जगदम्बा और महाकाली का रूप धारण कर लेती। हर चीज की अति होती है और अति के बाद अंत हो जाता है, तो सहन शक्ति की भी सीमा होती है। वो सीमा जब पार हो जाती है तो जो शक्ति है शिव की वो विकराल रूप धारण करती है। इस मामले में वो हठता रूप भी पावरफुल हो जाता है। हठ योगी कौन है और राजयोगी कौन है? ज्यादा तकलीफ किसको होती है पुरुषार्थ करने में? हठ योगियों को जास्ती पुरुषार्थ करने में तकलीफ होती है और राजयोगियों को सहज सहज पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो बाप की माला है रुद्रमाला और विष्णु की माला है विजयमाला। ज्यादा लंबे टाइम तक पुरुषार्थ किसका चलता है? रुद्रमाला का लंबा पुरुषार्थ चलता है,
यज्ञ के आदि से देखा जाए, जो सूर्यवंशी पार्टी थी, जो रुद्रमाला का मड़का बनती है, वो तो आदि में ही चली गई। आदि में जाती है और अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो आदि अंत का उनका पार्ट और बीच का सारा पार्ट, तो लंबा पार्ट किसका हुआ? विजय पाने वाले हैं कि विजय दिलाने वाले हैं? हैं? विजय पाने वाले भी हैं और विजय दिलाने वाले भी हैं। लेकिन भगवान बाप आकर के रुद्रमाला के मणकों को क्यों ज्ञान देता है? उनको ज्ञान इसलिए देता है कि पतितों को ही आकर के पावन बनाना। भारत की रानियां तो जन्म जन्मांतर पावन बन के रही है, तो उनको पावन बनने के लिए पहले ज्ञान की दरकार नहीं है। इसलिए जो जन्म जन्मांतर पतितपने में जीवन बिताते रहे, वही राजा बनने वाली आत्माएं पहले पहले ज्ञान लेती है। ज्ञान भी लेती जाती है और लोड़े भी खाती जाती है। अप और डाउन, ये अप और डाउन का खेल उनका चलता रहता है। फिर भी जिनकी बुद्धि में ज्ञान सही रीति से बैठता है, वो राजयोगी आराम से रहते हैं, आराम से पुरुषार्थ करते हैं। उनको हठयोगी बनने की दरकार नहीं है। और जो पूरी श्रीमत को फॉलो नहीं करते, कुछ न कुछ अपनी मनमत विकसित करते हैं, या अपने से जिनको बड़ा समझते हैं उनकी मनुष्य मत मिक्स कर देते, तो उनके लिए कठिन होता है। माना सूर्यवंशी बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, चंद्रवंशी हो चाहे इस्लाम वंशी हो चाहे बौद्ध वंशी हो, उनसे प्रभावित होने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनको हठयोग करना पड़ता है। अगर श्रीमत पर चलती रहे तो हठयोग का सवाल ही नहीं। श्रीमत पर न चल के अपनी मन मत मिक्स करती है या मनुष्य मत मिक्स करती है तो तकलीफ महसूस होती है। बाप तो कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूँ, इसमें कठिनाई की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मैं चलाता हूँ वैसे वैसे अगर चलते जाए तो ब्राह्मण जीवन जैसा ऊंचा जीवन देवताओं का भी नहीं होता। देवताएं फिर भी नीचे गिरते रहेंगे, जन्म जन्मांतर नीचे है, गिरती हुई कला में जावेंगे या उड़ती कला में जावेंगे? गिरती कला में जावेंगे। लेकिन तुम अगर सदा श्रीमत पर चलते रहो तो तुम सदैव उड़ती कला में जाओगे। उड़ती कला तेरे बाने सर्व का बना, ये है निशानी। क्या क्या निशानी बताई? जिनकी उड़ती कला होगी वो दूसरों का भला किए बगैर अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। तन की ताकत से, धन की ताकत से, मनसा की ताकत से, बुद्धि की ताकत से, संपर्कियों और संबंधियों की ताकत से, सब प्रकार की शक्तियां वो ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे। जो बाप का धंधा सो बच्चों का। स्वार्थ किस में आता है? स्वार्थ रथ में आता है, या जो रथ को रथ ही नहीं समझता उसमें आता है। रथ अगर पूरा ही अर्पण कर दिया ईश्वरीय सेवा में, ईश्वर के लिए, तो स्वार्थ रहता ही नहीं। और जो रथ को पूरा अर्पण नहीं करते उनके जीवन में स्वार्थ आता है।
स्वार्थ आता है तो दाग भी लग जाते हैं। आत्मा अभिमानी को कोई दाग नहीं लग सकता। आत्मा अगर अपने स्वरूप में स्थिर रहे तो वो आत्मा नहीं परमात्मा है। क्या वो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली है। आत्मिक स्थिति परमात्मा स्थिति के समान है। इसके लिए उन भक्तों ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। अब ऐसे नहीं है कि हर आत्मा सो परमात्मा हो जाती है, नहीं। ऐसा जो पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है कि जैसा जैसा सुप्रीम सोल बाप चलाना चाहता है वैसे ही वैसे चलने वाली हो तो आत्मा सो परमात्मा जैसी स्टेज को बाप प्राप्त कर सकती है। और बाप तो आता ही इसीलिए है, इसलिए आता है, बाप समान बनाने के लिए आता है। बाप है सुप्रीम सोल शिव, तो शिव आता है शिव स्वरूप बनाने के लिए। लेकिन नंबर वार है, एक टीचर के पढ़ाए हुए सब स्टूडेंट एक जैसे तो होते नहीं है। कोई स्टूडेंट होता है पूरे मार्क्स से पास होता है। जो पूरे मार्क्स से पास होता है उसी का नाम वाला होता है, बाकी तो नंबर वार। तो आत्मा सो परमात्मा जिसके लिए बोला गया है वो है शिव शंकर एक बनने वाला। जो शिव है वो ही शंकर। शिव और शंकर में भेद नहीं बताया, शास्त्रों में भी कहा है सगुण अगुण नहीं कछु भेद, उभय हर भव संभव खेद, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। कब साकार जब संपूर्ण बनता है तब। पुरुषार्थी जीवन की बात नहीं है, पुरुषार्थी जीवन में तो भेद रहता है, जमदे जामदे नहीं बनता, माने हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। लेकिन जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, फाइनल परीक्षा हो जाती है, तो फाइनल परीक्षा का परीक्षा होने के बाद नंबर डिक्लेयर हो जाते हैं। जब नंबर डिक्लेयर होता है तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को प्राप्त करती है। शंकराचार्य ने आकर के ये ज्ञान संसार में दिया, क्या आत्मा सो परमात्मा। माना सबसे बड़ा हठयोगी कौन हुआ, शंकराचार्य। जो भी चेले थे उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया, शिवो हम ही शिव का स्वरूप है। तो शिवो हम उसके कहने की बात तो उस समय है ही नहीं, आज से 1500 वर्ष पहले शिव तो इस सृष्टि पर आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो आप समान बनावेंगे कहां से, वो तो आता है संगम युग में। और संगम युग में जिस स्वरूप में प्रवेश करता है वो स्वरूप शंकर का गाया जाता है। उसके लिए कहा जाता है शिव समान दाता नहीं, वो इस सृष्टि पर आकर के दाता बनता है, दाता और लेता। लेता कौन है, खींच खींच के सुख कौन लेते हैं, राक्षस। और लल्लो चप्पो करके सुख कौन लेते हैं, मनुष्य। मक्खनबाजी करके सुख ले लेते हैं। और जो देवताएं होती हैं इच्छा मात्रम अविद्या, वो लेने की इच्छा ही नहीं करते। इस विकारी दुनिया में, इस गिरती कला की दुनिया में, इस पतित सृष्टि में जो भी सुख है वो सब कागविष्ठा समान सुख है। लिया लिया न लिया बराबर हो जाता है। इसलिए उनकी बुद्धि में बैठा रहता है ये बात कि अब इस दुनिया के सुख लेने से कोई फायदा नहीं है। तो राजयोग का
उन हठ योगियों को पता नहीं है। कौन कौन से धर्म की आत्माएं हठ योगी हुई है? सूर्यवंशियों को छोड़ करके बाकी सब सब हठ योगी हो। उनमें अव्वल नंबर हठ योगी कौन सा हुआ है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा की जो बच्चियां हैं वो भी सब वो भी हठ योगी। अभी अव्यक्तवाणी में क्या बोला? अव्यक्तवाणी में बोला जयंती बैकबोन है इसकी। किसकी बैकबोन है? हैं? इशारा दिया है वैष्णवी देवी की बैकबोन है जयंती। जैसे बच्चों के लिए कहा बच्चों का बैकबोन है बाप दादा। जैसे बैकबोन होती है ना वो रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी के बगैर शरीर नहीं साधा जा सकता। ऐसे ही वैष्णवी के लिए बोला कि उसकी बैकबोन है जयंती। माने उसके थ्रू उसको एडवांस नॉलेज मिली है और एडवांस नॉलेज का प्रैक्टिकल स्वरूप वो धारण करती है। दो बातें होती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ती है? साल भर क्या पढ़ाया जाता है? थ्योरी पढ़ाई जाती है या प्रैक्टिकल कराया जाता है? थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल नहीं होता। बहुत से ऐसे इंजीनियर होते हैं थ्योरी पढ़ते ही नहीं और प्रैक्टिकल उन्हें सब कुछ मालूम होता है, लेकिन ऐसा एक भी नहीं होगा जो थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल न करता हो, नहीं तो थ्योरी बेकार हो जाती है। प्रैक्टिकल और थ्योरी, विजयमाला है प्रैक्टिकल और रुद्रमाला है थ्योरी। क्यों? थ्योरी की जननी कौन है? वैष्णवी देवी। वह नहीं, थ्योरी की जननी है जगदम्बा और प्रैक्टिकल की जननी वैष्णवी। लेकिन प्रैक्टिकल होगा तब जब थ्योरी उसमें मिक्स हो, बेसिक नॉलेज में प्रैक्टिकल है। रुद्रमाला में प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए उसको राम की सेना कहा है। सेना किसकी है? राम की सेना। राम की सेना माने कौन सी सेना? बंदर सेना। बंदर की आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल एक है लंगड़ा और एक है अंधा, ये कहानी हो जाती है। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कौन नीचे होता है और कौन ऊपर होता है? विषय वैतरणी क्रॉस करने के लिए ऊपर कौन बैठता है और नीचे कौन होता है? लंगड़ा ऊपर बैठ जाता है और अंधा उसकी सवारी बन जाता है। तो बताया बैकबोन कौन बना है? थ्योरी की जननी। कब बनी जननी? वो थ्योरी की जननी कब बनी थी? यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में उसने हिम्मत की थी प्रजापिता को ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार सुनाने की हिम्मत की थी। ब्रह्मा बाबा वो हिम्मत नहीं कर सके लेकिन उस माता ने हिम्मत की, सारे साक्षात्कारों को सुनाया
और फिर सुना, तो फाउंडेशन पड़ा ज्ञान का। और प्रजापिता के मुख से निकला वो ज्ञान का बीज, तो हठ योगियों में और राजयोगियों में अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? हठ योगी किसको फॉलो करते हैं? है? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, क्योंकि माँ का रूप बड़ा प्यारा होता है और बाप का रूप सख्त होता है। शक्ति जो दुष्ट बच्चे होते हैं वो पसंद नहीं करते। तो चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामवंशी, बौद्धवंशी, जितने भी नीचे नीचे तक के हैं वो सारे ही हठ पकड़ लेते हैं। यज्ञ के आदि में भी हठ पकड़ी गई थी। क्या क्या हठ पकड़ी गई थी? जिसको अव्यक्तवाणी में अभी बोला है कई साल से, ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा इसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा, एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। और ये झगड़ा था शुरुआत का। वो सूर्यवंशी आत्माएं नहीं चाहती थी। क्या नहीं चाहती थी? कि विचार फैलाने वाली कोई भी आत्मा यज्ञ में प्रवेश करके अंदर बैठे। और वो हठ पकड़ गए, बच्चे भी हठ पकड़ गए, तो माँ भी हठ पकड़ गई और यज्ञ में विघ्न पड़ गया। अभी अंत में भी ऐसे ही है। हिंदुओं की ये सिद्ध रही हिस्ट्री में कि जो आत्माएं एक बार दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई, उन आत्माओं को कभी भी वापस नहीं लिया। क्योंकि अगर उनको वापस लेते तो खून खराब हो जाता। परिवार का खून मेंटेन करने के लिए यह जरूरी था, लेकिन आर्य समाज, उनके गुरु महर्षि दयानंद जब से आए तब से वो नियम टूट गए। जितनी भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी, जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होती रही, धक्के खाती रही, कमजोर होती रही, वही कमजोर आत्माएं फिर से आकर के भारत में आकर के हिंदू बन गई और उनका राज्य फैल गया सारे भारत में, जिसे कहा गया कौरव राज्य। कमजोरी के कारण कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, लेकिन खाते फिर भी गंदे हैं। तो ऐसी गंदी आत्माओं को पाठ पढ़ाने के लिए, जो कि जन्म जन्मांतर से कन्वर्ट होती आई है, परमात्मा शिव को आना पड़ता है। जो ज्यादा से ज्यादा नीचे गिरा हुआ होता है वो उठेगा तो सारे ही उठ जाते हैं। इसलिए सबसे नीचे ते नीचे बाप से प्राप्ति करने वाले धर्म कौन से हैं? है? आर्य समाज। आर्य समाज ऐसा बच्चा है जो अर्धनास्तिक है, आधा नास्तिक। भगवान को तो मानता है लेकिन निराकार को, साकार देवी देवताओं को मानने वाला नहीं है। और वही फाउंडेशन है सारी कमजोरियों का। तो वहां से सुधार होना जरूरी है। यज्ञ के आदि से ही बाबा ने सबसे पहले, जब से ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई, जगदीश भाई को पकड़ा। जगदीश भाई आर्य समाजी थे। और जितना भी ज्ञान का अहंकार था वो सारा उनके ऊपर डाल दिया।
यज्ञ में वो बड़े समझे जाने लगे कि बहुत बड़ी विद्वान है, है? वो विद्वान समझे जाने लगे और ब्रह्मा बाबा की वाणी का उतना महत्व नहीं रहा जितना उनकी किताबों का महत्व हो गया। बाबा कहते ये सब आडंबर हो जाता है, ढेर की ढेर किताबें छपाना, ढेर के ढेर चित्र छपाना, ईश्वरीय ज्ञान में हड्डियों की जरूरत नहीं है, बहुत सहज सा ज्ञान दिया है, चार चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है, तो ढेर के ढेर दरकार वो विस्तार में जाने की क्या जरूरत, फिर भी विस्तार में जाते हैं। विस्तार में जाते हैं जैसे मकड़ी अपना जाला फैलाती है, विस्तार में फैलाती है फिर उसी में फंस जाती है, तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का हाल है, सब फंसे हुए हैं, कोई को रास्ता नहीं मिल रहा है। बाप आकर बताते हैं एक है साधे सब सदै और सब साधे सब जय। एक बाप को अगर बुद्धि में पकड़ लिया तो और कोई भी दूसरे का सहारा लेने की दरकार नहीं है। एक सदगुरु तारे, अनेक मनुष्य गुरु बोरे। ओम शांति।